कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? पहले बताती तो मैं भी अपनी शादी में ये पहनती ना। बहुत सुंदर लग रही है इस गाउन की वजह से नहीं, तेरे चेहरे पे जो खुशी है उसकी वजह से। कोई और सुहाग का जोड़ा तेरे चेहरे पर इतनी खुशी नहीं ला सकता था। सॉरी दी, तुम्हें बिना बताए मैं। अच्छा किया, अगर तू मुझे बताकर आती ना तो मैं शायद तुझे नहीं आने देती। और अगर मैं तुझे इस गाउन में नहीं देखती तो शायद चर्च वेडिंग के लिए मैं मना कर देती। इसका मतलब तुम्हें चर्च वेडिंग से कोई इतराज नहीं है? अपने आप को तूने मेरी नजर से नहीं देखा ना, इसलिए तू ऐसा कह रही है। जो सपना तू बचपन से देखती आ रही है वो आज मेरे सामने, और मैं ये खुशी तुझसे छीनना नहीं चाहती। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना सब कुछ कितना अधूरा लग रहा था। अब जल्दी जा, ये गाउन चेंज कर, नहीं तो नजर लग जाएगी तुझे। और मैं बोलती जाती हूँ, तुम लिस्ट बनाओ। ओके? किसकी? अरे भाई, चर्च वेडिंग हो रही है। देख, ऐसी शादी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सम्राट वेज गुंजन, वेडिंग प्लानर नुपुर भूषण। चश्मे से एक बार दिखाओ ना। नहीं सम्राट, एक झलक। सम्राट, शादी से पहले देखना बैड लक होता है। नूपुर देख सकती है, मयंक देख सकता है, तुम्हारे होने वाला हस्बैंड नहीं देख सकता। सम्राट, उसने कहा ना कि शादी से पहले हस्बैंड गाउन नहीं देख सकता। अपशगुन होता है, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तुम रिलैक्स करो और फ्रूट्स खाओ। कैसे होगा ये सब? गेस्ट लिस्ट में 75 लोग हैं और सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ 65 लोगों की है, बाकी 10 का क्या होगा? अब क्या होगा? गाइस, पूरे 10 आए। क्या? कार्टन्स। कार्टन? कार्टन्स। गुंजन, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 10 कार्टन भर के सामान सम्राट के घर ले जाओगी तो तुम दोनों को तो बाहर सोना पड़ेगा, इज दैट राइट? चश्मेश, 10 कार्टन्स? सम्राट प्लीज, मेरा इतना भी सामान नहीं है। दीप, तुमने 10 कार्टन्स क्यों मंगवाए? मेरा सामान तो सूटकेस में भी फिट हो जाता। दी, क्या हुआ? वो मयंक, तुम ही बता। उदय, आके बैठ जा। बैठना? आज पहली बार बैठने के लिए बोला है, जरूर कोई सीरियस बात होगी। बात क्या है डू? गाइस, नुपुर और मैंने कुछ डिसाइड किया है। वो एक्चुअली हम तुम लोगों को शादी के बाद ही बताने वाले थे, पर ये मूवर्स और पैकर्स वालों ने सब गड़बड़ कर दिया। मूवर्स एंड पैकर्स? आप घर शिफ्ट कर रहे हो? नया घर लिया? तो बताया क्यों नहीं? वाओ, दैट्स ग्रेट। घर कहाँ लिया है? एक मिनट, आई एम श्योर आप लोगों ने सम्राट और मेरे घर के पास ही लिया होगा। घर पुणे में है। What? पुणे? वो एक्चुअली हम लोग कुछ महीने बाद जाने वाले थे, पर डील इतनी अच्छी थी कि मना ही नहीं कर पाए। पर दीप, दीप तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे टाइम पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। गुंजन, मेरी डिलीवरी में अभी टाइम है, तू एक महीने पहले आ जाना, ठीक है? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे।
जरा सोचो यार, शादी के बाद मैं जब चश्मे से लड़ूंगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? सम्राट, प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम एक्सपर्ट हो, मास्टर प्लानर है तू, और जब तुम नहीं होगे तो ये प्लान मैं किसके साथ बनाऊंगा? मैं आई डोंट बिलीव दिस, इतने साल हम एक साथ रहे और अब अचानक? नहीं नहीं गाइस, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। नुपुर, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम वो आटा हो जो हम आलूओं को जोड़ता है, अगर तुम लोग चले जाओगे तो आलू का पराठा कैसे बनेगा? I'm sorry. और तेरा जॉब? पूना की एक यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा ऑफर है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, बेटर पे है, सेविंग्स भी अच्छी होंगी। अब बच्चा आ रहा है तो लाइफ अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ेगी। फाइनली हमें एक्सेल को बाय कहना होगा। डूड, मैं तुम दोनों के बिना कैसे मैनेज करूंगा? सम्राट, शादी हो रही है तुम्हारी, कोई जेल में नहीं डाल रहे हम। और देखना, मेरी छोटी बहन तुम्हें इतना खुश रखेगी कि तुम हम लोगों को दो दिन में भूल जाओगे। और हम लोगों को तो जाने में थोड़ा सा टाइम है, पहले मैं अपनी छोटी बहन को विदा तो कर लूं। उदय भैया, चलिए बहुत काम बाकी है, कहाँ है वो सीटिंग अरेंजमेंट? गुंजन, अब देख मैं गाउन वाउन नहीं पहनूंगी। हाँ, मैंने अपने लिए साड़ी मंगवा ली है, वो भी चंपक लाल से, बाय गॉड मैं वही पहनूंगी। हाँ, माना कि मैं ब्राइड्स की मैं भी समझ सकती हूँ, इस नई लाइफ पर तुम्हारा पूरा हक है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। गुंजन, तू भी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, और अगर हम दोनों का साथ लिखा है तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। एक बार तो मैं मरकर लौट चुकी हूं, अब लगता है कि पूरा से भी लौट कर आना पड़ेगा। चल अब थोड़ा सा काम कर लूं। हाँ, बाय द वे, ये है क्या? उदय भैया, ये तो एक्सेल कॉलेज की असेंबली का सिटिंग प्लान है। उदय भैया, हम चर्च में शादी कर रहे हैं, कॉलेज में नहीं, पता है ना आपको? चर्च वाली शीट कहाँ गई? ये रही। अच्छा, ब्राइड्समेड तो तुम, बेस्ट मैन कौन है? ये डिसीजन तो सैम का है ना? तो सैम कहाँ है? सम्राट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। डूड रिलैक्स, टेक योर टाइम, इतना टेंशन मत ले, वैसे भी नाम तो मेरा ही लेना है। हेलो, यस मयंक शर्मा यहाँ। व्हाट, लेकिन ऐसे कैसे? Thank you.
प्रेसिडेंट ओबामा मुंबई आ रहे हैं। अच्छा, उन्हें भी इनवाइट किया है? वो चर्च वालों ने सारी शादियां कैंसिल कर दी हैं, सिक्योरिटी रीजंस। यानी कि अब कोई भी चर्च अवेलेबल नहीं है? और 24 घंटे में दूसरा चर्च मिलेगा कहाँ? इसका मतलब कल शादी है और हमारे पास वेन्यू नहीं है। कोई तो ऑप्शन होगा, कहिए तो मैं आपके सीनियर से बात करता हूँ। शायद कोई मयंक शर्मा है, वो मैंने आपसे आधे घंटे पहले बात की थी। कुछ क्या हुआ? नो लक, सारे चर्चेस बुक्ड हैं। माय गॉड, इस ओबामा को भी अभी आना था, दो चार दिन बाद नहीं आ सकता था? ठीक है डॉक्टर, अगली बार ना मैं उसे फोन करके बोल दूंगा कि हमें आने से पहले बता दे कि अपना ट्रिप वो कब प्लान करने वाला है। ट्रिप? ओह नो, मुझे ट्रिप से याद आया, मुझे एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट क्यों? वो एक्चुअली क्योंकि मैं आने वाली थी, वो भी दो घंटे पहले। कैसे सोच लिया कि तुम मेरे बिना शादी कर लोगी? माना कि तुम सैमी से ही शादी कर रही हो, पर फिर भी मेरी अप्रूवल जरूरी है। सॉरी भैया, लेकिन एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि तुम लोग ने दिया को इनवाइट नहीं किया। एक्सेप्ट टोटल, सिर्फ उसे याद था। उदय भैया, दिया को इनवाइट करने के लिए किसने कहा था? तुमने नुपुर? You guys, कुछ नहीं बदला। I'm sure डोरू अभी तक नुपुर के हाथ के आलू के पराठे खाता है और गुंजन के हाथ का गाजर का हलवा, राइट? आदिज, फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। और हाँ, अब तो नुपुर ने बहुत टेस्टी चिकन भी बनाना शुरू कर दिया है, तुम्हें टेस्ट करना चाहिए मौसी जी। डोरो, ये क्या मौसी जी लगा रखा है? इट्स सो टाइम। नुपुर कहीं? ओह माय गॉड, गुंजन की शादी, नुपुर का बेबी, आई एम सो हैप्पी। बाय अंक। शादी कल है, राइट? होपफुली। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? तो ये बात है, मंदिर में शादी करनी नहीं है एंड चर्चेस अवेलेबल नहीं है। अदीज, रीकैप के लिए थैंक्स। शट अप टोरो। वैसे एक ऑप्शन है जो अब भी अवेलेबल है। क्या? एक ऐसी जगह जो हम सबकी फेवरेट है, जहां हम सब पहली बार मिले, जिसकी वजह से गुंजन और सैनी मिले, मयंक और नुपुर मिले, और जिसकी वजह से उदय जैसा डोरो भी हीरो बन गया। एक्सेल। यस, एक्सेल। व्हाट से सैम, गुंजन? वेन्यू मिल गया? सैनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं यही तो कह रही हूँ कि हम ये शादी एक्सेल में क्यों नहीं करते? सम्राट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चश्मश, मैं ठीक हूँ। सो एक्सेल? हाँ सैम, जरा सोचो, एक्सेल कॉलेज, जहाँ तुम और गुंजन पहली बार मिले, जहाँ तुम दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती से कुछ और।
कल कॉलेज में तो तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हुई थी, तो तुम्हारी मैरिज लाइफ भी वहीं से शुरू होनी चाहिए. व्हाट से? ग्रेट. परदीज, गुंजन तो चर्च में शादी करना चाहती है. मैंने हमेशा एक्सेल कॉलेज को हमारे ग्रुप का हिस्सा माना है. जितना प्यार हम सब एक दूसरे से करते हैं उतना ही एक्सेल से भी करते हैं. जिस जगह से इतनी यादें जुड़ी हैं, तो एक और सही. एग्जैक्टली. सोचो सम्राट, हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन हमारी शादी, और वो भी एक्सेल कॉलेज में. इट्स जस्ट परफेक्ट. सो आई गेस तुम सबने सब कुछ संभाल ही लिया. मैं थक गया हूं, मैं चलता. हाँ हाँ जाओ. कल तो बहुत सारी मेहनत करनी है क्योंकि कल तुम्हारी शादी जो है. सम्राट, बाय. बाय. ये सैमी इतना लॉस्ट क्यों है? दिया, होता है. शादी के पहले अक्सर लड़के थोड़े नर्वस हो जाते हैं. मैं बात करती हूँ. नहीं मुझे. आई थिंक हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए. मीनवाइल तुम तीनों लड़कियां बातें करो. और हम कहाँ जा रहे हैं? उदय, मैं दिया, गुंजन और तुम्हारी ही बात कर रहा. नुपुर सोने जा रही है. नहीं आज नहीं मयंक, आज दिया आई है और कल मेरी बहन की शादी भी है. इसीलिए तुम्हें रेस्ट करना है ताकि तुम कल पूरी तरह से काम कर सको. ओफो मयंक, तुम कुछ ज्यादा ही हस्बैंडाइज बात नहीं कर रहे हो. थैंक्स. मयंक भी ना, वंस अ सड़ू ऑलवेज अ सड़ू. पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपना बुकिंग अमाउंट दे चुका हूं. कल मेरी शादी और अब आप. आई कॉल यू बैक. हाँ नुपुर, कहो. इतनी रात को कैसे फोन किया? नींद नहीं आ रही है ना. मुझे पता था कि यही होने वाला है, इसलिए सोचा कि अपने होने वाले जीजू से पूछ लूं कि उसका हाल क्या है. सो कैसा लग रहा है? फल मैं ठीक हूँ. डर लग रहा है क्या? थोड़ा तो. नर्वस हो? कुछ कुछ. चलो, इस बात से ये पता लगता है कि तुम नॉर्मल हो. 10 साल के बाद तुम याद करोगे सम्राट कि शादी की एक रात पहले तुम कैसे थे. क्या हुआ, नींद आ रही है? हाँ. अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. सम्राट इतना खोया खोया सा क्यों है?